Topic 7, Sociology of Development. Characteristics of economic growth. Following are some characteristics indicated by Simon Kuznet. He is very famous scientist who defined certain characteristics in terms of economic growth. He elaborated that high rate of growth of per capita income. वो कहता है कि economic growth जो है किसी भी country में किसी भी nation में तब होती है जब per capita income जो है वो वहां पे increase होती है. कि अगर कोई आज एक डॉलर कमा रहा है तो जब अगले साल हम मेजर कर रहे हों तो वो कि 1.10 डॉलर 2 डॉलर वो कमा रहा है तो हम कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है ये सोसाइटी में बढ़ रही है. लोग जो आज 10,000 कमा रहे हैं वो अगले साल 12,000 कमा रहे हैं या 15,000 कमा रहे हैं. तो दिस इज पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है. और साथ में ये होता है कि जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो जो आपका टोटल जीडीपी होता है और टोटल पॉपुलेशन होती है जब उसको उस पर आप उसको डिवाइड करते हैं तो जो एक सर्टन यूनिट निकलता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी पर कैपिटा इनकम है. ये किसी कंट्री की 10,000 डॉलर होगी, किसी की 20,000 डॉलर होगी, किसी की 1 लाख डॉलर होगी, इवन मोर देन दिस. तो ये नेशन टू नेशन वेरी करता है अंडर 12 और सुपर एडवांस कंट्रीज में. अगर यूएसए की देखेंगे, कैनेडा की देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज की देखेंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज अ हेल ऑफ डिफरेंस विद द डेवलपिंग नेशंस. वो बहुत ज्यादा होगी. हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रोडक्टिविटी है उसका हाई ग्रोथ रेट होगा. कि आपकी जो पर इंडिविजुअल पर फैक्टर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है. इफ दैट इज ग्रोइंग इन नेचर तो हम कहते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. हाई रेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी. देखिए इकोनॉमी जो है वो किसी एक चीज का नाम नहीं है. मल्टीपल थिंग्स कलेक्टिवली मिलके आपकी एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बनाती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है सोसाइटी में. वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो प्रोडक्शंस हैं, आपके जो इवन इन द मॉडर्न इकोनॉमीज आपके जो ओवरसीज में आपकी जो मैन पावर होती है, वो जो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, बहुत सी चीजें मिलके आपको आपकी कलेक्टिवली वो एक आपके इकोनॉमिक ट्रेंड्स बनाती हैं. जब सोसाइटी में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होती है, जब सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जब सोसाइटी इन ईच एंड एवरी डायमेंशन प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही होगी तो उसे हम कहेंगे कलेक्टिवली कि सोसाइटी इज ग्रोइंग इन नेचर. इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन सोसाइटी दैट आर प्रोडक्टिव. सोसाइटी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज द पॉजिटिव ट्रेंड्स. High rate of social and ideological transformation. This is very important, especially in the term of developing nations, the underdeveloped nations, especially in terms of the societies like Pakistan. If there is not a social and ideological transformation, then we may unable to achieve the goal of economic growth. You know, sometime we have different interventions in the society. And society have lot of resistance in term of their ideological commitments. Their multiple constraints are there. उसकी एक example ये है कि जैसे दुनिया के बहुत से मुल्कों ने, बल्कि सारे मुल्कों ने पोलियो खत्म कर लिया है. Due to our social challenges, due to our different ideological commitments, हम आज तक पोलियो को नहीं खत्म कर सके पाकिस्तान और अफगानिस्तान से. खुदा ना खास्ता जो पोलियो को खत्म करना है प्योरली इसके लिए डिफरेंट सोशल इंटरवेंशन चाहिए. बट स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ना खास्ता देर आर सम
certain ideological limitations in our social settings, our religious settings. We are not comfortable to eradicate the polio. This is the fact that we have no problem in our religious and cultural manners, but still there is resistance in the society. Some elements in the society are resisting this positive development. How to cope? What are the strategies? First of all, it comes through evolution. Later on, जो आपकी decision making होती है, आपकी जो commitment होती है, your institutions, your decision makers, with their political will and commitment, they transform the societies from the rigid social and the ideological sense to the modern adaptability of the ideas of the positive trends which are necessary for the development of a society. Growth of trade, specifically import of raw material and export of manufacturers. हमारी society में, क्योंकि हम एक underdeveloped society है, in terms of economic growth, सबसे बड़ी problem ये है कि हम raw materials जो हैं वो produce करते हैं, हम उससे कुछ manufacture नहीं कर पाते. For example, हम cotton तो पैदा करते हैं, cotton से जो बहुत सी products बनती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे cloths बनते हैं, different varieties के, multiple from jeans to the shirts, to the pants, to the bed sheets, to the lot of other things, the towels, which are widely accepted across globe. If we are using our raw material for such type of products, then definitely we are good in term of our economic growth. Agar hum ek wo nation hai jo sirf raw materials jo hai wahi export karti hai, wahi bahar bhejti hai, unse aage ki kuch cheez, kuch super thing, something beautiful, something acceptable across the globe, jo dusri nations ko jiski need hai, agar hum wo nahi produce kar rahe, to definitely maybe we are growing economically little bit, but not in a such a pace that must have to be. Isi tarah agar hum steel ko le lein, steel ki production mein ek nation hai jo sirf steel jo hai wo produce karti hai aur export karti hai, aur dusri nation jo hai wo steel se automobiles banati hai, steel se multiple other things banati hai. तो definitely जो उसकी economic growth है, उसकी productivity है, जो economic trends हैं society के, वो उस तरह के नहीं हैं जो उस society के हैं जो सिर्फ raw material पैदा करने वाली है. So we must have to understand, in terms of economic development, we must have to be a manufacturer rather than a raw material producer.